भाई साहब, पुष्पा द राइज, सलार, सीज फायर, वॉर एंड एनिमल, ये चारों मूवीज तो सभी ने देखी होगी। और इन चारों मूवीज के सिक्वल के लिए यानी सेकंड पार्ट के लिए कौन कितना एक्साइटेड होगा, भाई मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इन चारों मूवीज के लिए बुरी तरीके से इंतजार कर रहा हूँ। तो अभी इन चारों मूवीज के बारे में बात करेंगे कि इनके सेकंड पार्ट यानी कब आ सकते हैं, जो लेगेसी इन्होंने फर्स्ट पार्ट में सेट करी थी क्या वही लेगेसी सेकंड पार्ट में होते नजर आएगी, कब ये मूवीज आ सकती हैं, और क्या मसाला एंटरटेनमेंट का तड़का हमें इन सेकेंड पार्ट से देखने को मिल सकता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के नाम पर इन पहले पार्ट से ने यानी इन चारों मूवीज ने जो ब्लॉकबस्टर हिट का टैग लेकर गए हैं, क्या वही ब्लॉकबस्टर हिट का टैग ये अपने सेकंड पार्ट में लेते नजर आएंगे नहीं आएंगे, वही सारी चीजों पर अभी बात करने वाले हैं इन चारों मूवीज से रिलेटेड, कि इनके सेकंड पार्ट में और भी क्या दमदार और धमाकेदार चीजें मिलने वाली हैं। तो अभी सारी चीजों पर बात करेंगे, उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई साहब, पुष्पा 2 यानी पुष्पा द रूल से शुरुआत करेंगे, जो भाई साहब बहुत भारी भरकम बजट में बनाई जा रही है पुष्पा 2, क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट को अपार सफलता मिली थी ब्लॉकबस्टर हिट में। जो नाम इस मूवी ने कमाया भाई, ब्लॉक भले बॉक्स ऑफिस में वो कमाई देखने को नहीं मिली, लेकिन भाई ट्रेंड जिस इस मूवी का जिस हिसाब से रहा है, जो ये जनता के दिलो दिमाग में राज करके गई है, वही चीज़ उसी का एक्साइटमेंट हमें सेकंड पार्ट में मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए जनता काफ़ी वेट कर रही है। तो भाई साहब 500 करोड़ के में इस मूवी को क्लियर करा जा रहा है, 500 करोड़ के आसपास इस मूवी का बजट बताया जा रहा है, जो एक्सपेंसिव मूवी, बहुत ही एक्सपेंसिव मूवी होने वाली है इंडियन सिनेमा की, जिसे 15 अगस्त 2024 को रिलीज करा जाना है। लेकिन भाई साहब अग्नि परीक्षा तब इसे इस बार दो जगह देखने को मिलने वाली है। कहाँ, एक तो मूवी में ये अग्नि परीक्षा देगा ही देगा, क्योंकि भाई साहब जिस हिसाब का इसने किंगडम सेट करा था, जिस हिसाब का साम्राज्य इसने खड़ा किया है, तो उस साम्राज्य को रूल करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए उससे भी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट को अपार सफलता मिली थी, जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 350 करोड़ के आसपास ही मूवी कमा के गई थी, जहां सिर्फ हिंदी से 106 करोड़ आया था। और पुष्पा 2 कितना कर सकती है भाई साहब, क्योंकि पहली मूवी ने यानी फर्स्ट पार्ट ने तो दमदार किया था, तो पुष्पा 2 क्या 1000 करोड़ टच कर जाएगी, कहना जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन इस मूवी से प्रॉमिस करा जा रहा है, उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई साहब सिर्फ 1000 नहीं 2000 करोड़ भी टच करके जाने वाली है। तो आप लोग इसके दिलो जान जिगर गुर्दा से फैन हैं, तो ये आप लोग बताएंगे कि ये आप पे छोड़ता हूँ कि 1000 करोड़ टच करेगी या नहीं करेगी। बात करें वॉर फ्रेंचाइजी यानी वॉर 2 की, तो भाई साहब वॉर फर्स्ट की अपार सफलता के बाद जहां ऋतिक रोशन मेन लीड पर हमें देखने को मिले थे एज कबीर, तो भाई कबीर को इस बार वॉर 2 में यानी इस मूवी में कितनी परेशानियां मिल सकती हैं, कितना स्ट्रगल करने को मिलेगा, क्योंकि इस मूवी की रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, 14 अगस्त 2025 को ये मूवी आनी है। 200 करोड़ का इस मूवी का बजट दिखाया जा रहा है, और बेस्ट पार्ट इस मूवी का होने वाला है जूनियर NTR, जो हमें विलेन के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। एंड एक और बेस्ट पार्ट इस मूवी का ये होने वाला है कि जिम यानी जॉन इब्राहिम हम भी हमें मिलने वाले हैं, वही जिम जो पठान में विलेन का रोल प्ले करता है। अब इसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो तो भाई साहब हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा। लेकिन एक और बेस्ट पार्ट है इस मूवी का कि शाहरुख खान का हमें इसमें कैमियो देखने को मिलेगा, यानी पठान का कैमियो भी सेट हो चुका है। वॉर को अपार सफलता मिली थी, टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 475 करोड़ के आसपास इस मूवी ने अपने खाते में रखा था, तो और जहां सिर्फ हिंदी से 303 करोड़ आया था, तो वॉर 2 कितना करेगी, क्या 1000 करोड़, ऐसा अब कहना जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन आप इससे जुड़ते हैं, इससे भावना रखते हैं, मतलब इस मूवी से कितना एक्साइटमेंट है, तो आप लोग बताएंगे ये आप पे छोड़ते हैं कि 1000 करोड़ करेगी या नहीं करेगी। बात करें एनिमल फ्रेंचाइजी की यानी एनिमल पार्ट 2 के लिए, तो भाई साहब इस मूवी के लिए तो पूरा देश ही इंतजार कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जिस हिसाब में हमें संदीप रेड्डी वांगा ने छोड़ा है ना, जो हमारे साथ धोखेबाजी करी, क्योंकि कहानी इतने क्रिटिकल पॉइंट पर छोड़ी है कि यहाँ के बाद हमें देखने को बनता ही बनता है कि भाई आखिर होने क्या वाला है, क्या रणविजय प्रताप सिंह और भी ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है, क्योंकि भाई साहब इसने दिल जिगर गुर्दा हमारे एनिमल पार्ट 1 से ही सबके हिला के रख दिया था। मूवी को प्रॉमिस करा जा रहा है कि 2025 के स्टार्टिंग में इसे रिलीज कर दिया जाएगा, यानी मार्च या अप्रैल के आसपास, जहां बजट अभी क्लियर नहीं हुआ है। बेस्ट पार्ट क्या होने वाला है, रणबीर कपूर वर्सेस रणबीर कपूर, यानी अबरार का भाई अधिक वर्सेस रणविजय प्रताप सिंह, जो दोनों ही रोल खुद रणबीर कपूर ही प्ले करने वाले हैं। एनिमल फर्स्ट पार्ट को कितना कलेक्शन मिला, यानी किस हिसाब की सक्सेस मिली है, भाई साहब मेरी ब्लॉकबस्टर लिस्ट में ये नंबर 1 मूवी है पिछले साल यानी 2023 की। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 915 करोड़ के आसपास आया, जहां सिर्फ हिंदी से 502 करोड़ का कलेक्शन ये मूवी करके गई थी फर्स्ट पार्ट। एनिमल 2 कितना करेगी, क्या 1000 करोड़, भाई साहब डेफिनेटली 1000 करोड़ ये मूवी टच करके जाने वाली है, और इससे ऊपर निकल जाएगी तो और भी मजा आ जाएगा। और आप लोग इस मूवी से कितना हद तक जुड़े हैं
ये आप पर छोड़ दे क्या 1000 करोड़ ये मूवी भी टच कर जाएगी नहीं कर जाएगी। वही बात करें चौथी यानी सालार फ्रेंचाइजी की, भाई सालार 2 यानी सौरंगा पर्वम, सालार सौरंगा पर्वम। तो इस मूवी के भी जो मेकर्स हैं और अपने डायरेक्टर प्रशांत नील भाई, इन्होंने भी बहुत बड़ी धोखेबाजी करी, क्योंकि इस बंदे ने भी अपनी मूवी को जिस क्रिटिकल पॉइंट पर छोड़ा है, यहाँ से भाई एक्साइटमेंट नहीं, एक क्वेश्चन जनरेट कर दिया है दिल दिमाग जहन में कि भाई सेकेंड पार्ट में आखिर होने क्या वाला है, क्या देवरथा को राज सिंहासन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि जो अभी तक बंदा अपनी दोस्ती के लिए पूरी जी जान लड़ा के, यानी अपने वर्धमान मन्नार यानी वर्धा यानी पृथ्वीराज सुकुमारन को पूरा राजपाट दिलाने के लिए जिस हद तक वॉयलेंट हुआ था, ये खुद अपने लिए कितना वॉयलेंट होगा, क्योंकि ये बिलोंग करता है सौरंगा पर्वम कबीले से। कौन? अपना प्रभास यानी देवरथा यानी देवा। तो भाई साहब ये इसमें कितनी आप फाड़ते नजर आएगा, क्योंकि अपने लिए लड़ाई लड़नी है उस कबीले के लिए जिसे हटा दिया गया था, जिसे थितकार दिया गया था। तो खानसार पर अब और कितना खून देखने को मिलेगा भाई, इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। फर्स्ट पार्ट ने कितना कमाई करी है, टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 650 करोड़ के आसपास, सिर्फ हिंदी से जहां आया है 153 करोड़। तो पार्ट टू कितना करेगी, क्या 1000 करोड़ ईजली करके जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब में जहां पर कहानी ये छोड़ के गए हैं और उस कहानी को देखने के लिए लोग जितना एक्साइटेड हैं भाई, 1000 करोड़ बहुत छोटा नंबर लग रहा है, कहीं 2000 करोड़ भी ईजली टच करके जा सकती। तो आप लोग इस मूवी से कितना जुड़े हैं भाई, आप पे छोड़ते हैं, क्या 1000 करोड़ ये मूवी भी टच करके जाएगी नहीं जाएगी। लास्ट में भाई चारों में से कौन सी मूवीज फाड़ के जाने वाली है, दूसरा चारों में से भाई साहब कौन सी मूवीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। भाई मैं खुद का बताऊं तो मैं चारों मूवीज के लिए एक्साइटेड हूं। आप लोग कौन सी मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो और कौन सी मूवी आपकी बेस्ट रही है इनमें से, इनके फर्स्ट पार्ट में से, और कौन सी मूवी इस बार 1000 करोड़ करके जाएगी यानी इनके सेकंड सिक्वल पार्ट, क्या चारों ही मूवी 1000 करोड़ टच करके जाएंगे यानी 4 मूवी = 4000 करोड़, क्या है सिंपल है या नहीं है, ये आप लोगों को बताएंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।